महिपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के फर्जी अधिकारी व न्यूज चैनल के फर्जी पत्रकार बनकर क्लिनिक संचालकों से अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें 2 महिलाएं 1 पुरुष शामिल है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से अंचल में संचालित होने वाले निजी दवाखानों पर कुछ महिला पुरुष स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बनकर पहुंच रहे थे, जो क्लिनिक संचालकों से स्वयं को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताते हुए निरीक्षण का कहते और फिर कार्रवाई की धमकी देते हुए रुपयों की मांग करते। इसकी जानकारी बीएमओ डॉक्टर मनीष उथरा को लगी। डॉक्टर उथरा ने जिले व तहसील के वरिष्ठ अधिकारियों से इस प्रकार की टीम भेजने के बारे में पूछताछ की, जिसमें फर्जी टीम होना सामने आया। ऐसे में SDOP सुनील बरकड़े के निर्देशन में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए खोजबीन की गई। गुरुवार को तीनों ने ग्राम नारायण में आशीष क्लिनिक पर पहुंचकर यहां खुद को स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बताया, क्लिनिक संचालक पर कार्रवाई की धमकी देकर रुपए की मांग की। इस घटनाक्रम के दौरान डॉक्टर उथरा भी यहां मौजूद थे। बात बढ़ने लगी और ग्रामीण जमा हुए तो तीनों न्यूज चैनल के कार्ड दिखाकर पत्रकार बन गए और खुद को पत्रकार बताते हुए बचाने का प्रयास भी करने लगे। इधर पुलिस को सूचना लगने पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जहां सभी फर्जी स्वास्थ्य अधिकारी और फर्जी पत्रकार निकले। मामले में पुलिस ने बीएमओ डॉक्टर उथरा की रिपोर्ट पर आरोपी 32 वर्षीय भारत सिंह पिता पीरूलाल चौहान निवासी नेहरू गांधी कॉलोनी उज्जैन, 34 वर्षीय रिंकू सौगानी पति वैभव सौगानी निवासी आकार पैलेस फ्रीगंज उज्जैन, 38 वर्षीय लीना श्रीवास्तव पति प्रमोद श्रीवास्तव निवासी आकार पैलेस फ्रीगंज उज्जैन पर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। यहां से तीनों को जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार भारत चौहान पर उज्जैन के नीलगंगा थाने में भी प्रकरण दर्ज है। कार्रवाई में TI राजवीर सिंह गुर्जर, SI नरेन सिंह, कनिष्ठ SI सुरेंद्र सिंह गरवाल, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र प्रताप सिंह, भरत सिंह, विजय सिंह, देव कुंवर, आरक्षक राघव सिंह गुर्जर, वीर सिंह यादव, आदिराम, मिथुन, अखिलेश, प्रवीण सिंह की भूमिका रही। कल दिनांक को डॉक्टर मनीष उथरा के द्वारा सूचना दी गई कि कुछ फर्जी डॉक्टर के द्वारा क्लिनिक संचालकों से और उनके नाम से अवैध पैसों की वसूली की जा रही है। सूचना मिलते ही नराड़ा गांव के लिए पुलिस टीम रवाना की गई, जहां पे 2 महिलाएं एवं एक अन्य व्यक्ति वहां पे गांव वालों ने उनको पकड़ लिया था। पुलिस उनको लेके आई। लेके आने के बाद थाने में उनसे पूछताछ किया गया। वो अपने आप को डॉक्टर एवं भारत न्यूज के संपादक बता रहे थे। तस्दीक करने पे पाया गया कि ये लोग कोई पत्रकार नहीं हैं और डॉक्टर मनीष लूथरा के द्वारा एक लिखित आवेदन भी दिया गया, जिस पे थाना महितपुर में अपराध क्रमांक 441 धारा 384 385 386 और 419 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उनकी विधिवत गिरफ्तारी कर आज दिनांक को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, इन आरोपी के क्या क्या नाम है? इसमें 3 आरोपी हैं। पहले है भरत चौहान, पिता पीरूलाल चौहान, ये रहने वाले गांधी कॉलोनी उज्जैन के हैं। दूसरी एक महिला है रिंकू सौगानी और तीसरी है लीना श्रीवास्तव। ये तीनों इसी तरह से वसूली का काम कर रहे थे। महिलाओं के पति या पिता का कुछ नाम वगैरह? महिलाएं कहाँ की? हाँ, वो है रिंकू सौगानी, पति वैभव सौगानी, ये रहने वाले फ्रीगंज उज्जैन के हैं। दूसरी महिला लीना श्रीवास्तव, पति प्रमोद श्रीवास्तव, निवासी आकार पैलेस फ्रीगंज उज्जैन। इनके द्वारा पूर्व भी और कितनी जालसाजी की गई, इस प्रकार से कोई खुलासा हुआ? उसकी विवेचना के विवेचना में जो तथ्य आएंगे, जो तथ्य आएंगे उस आधार पर उस पर विवेचना में लिया जाएगा। ये बाद वाले प्रकरण में जो आरोपी है, इनके भी कोई पूर्व रिकॉर्ड वगैरह ऐसा कुछ है? हाँ, पूर्व है। भारत सिंह नीलगंगा थाने में अपराध पंजीबद्ध है, उसमें वो जेल भी जा चुका है। महितपुर से भामलाल गोयल की रिपोर्ट।